हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और पिछली बार हमने देखा था कि दुनिया के बाकी देशों में लॉकडाउन का क्या हाल है और उससे ये आइडिया लगाया था कि हमारे यहाँ भी लॉकडाउन हो सकता है कि बढ़ जाए। तो लॉकडाउन हमारे यहाँ भी बढ़ा 3 मई तक, लेकिन काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ 20 अप्रैल से स्टार्ट भी हो सकेंगी। अब ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ का स्टार्ट होना भी ज़रूरी है क्योंकि इकोनॉमी को देखना भी इम्पॉर्टेंट है। एक लाइन आजकल थोड़ी फेमस चल रही है, जान भी जहान भी। तो जहान की बात करने के लिए, या फिर मैं कहूं कि इकोनॉमी की बात करने के लिए हमारे साथ हैं अभिषेक। नमस्ते शोएब, नमस्ते दोस्तों। लेकिन इससे पहले अभिषेक, इकोनॉमी पर या जहान पर कुछ इंसाइट्स दें। मैं आपको कुछ चार्ट्स फटाफट दिखा देता हूं जान के, यानी कोरोना वायरस के केसेस के। तो ये हैं कंफर्म्ड केसेस इन इंडिया एज ऑफ 17 अप्रैल। थोड़ी सी इसमें खुशखबरी है हमारे लिए एज ऑफ 17 अप्रैल, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लैटनिंग द कर्व जिसकी बात चल रही वो होता यहाँ पे दिख रहा है। तो ये है 17 अप्रैल की कहानी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्टिव केसेस इन इंडिया एज ऑफ 17 अप्रैल में, सिर्फ लास्ट 5 डेज, क्योंकि पिछले ग्राफ में हमने देखा कि जो ग्राफ जा रहा है वो उस तरफ जा रहा है कि केसेस हर 5 दिन में डबल होंगे। ये ग्राफ हम पहले भी 2 वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में इसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन सेकेंड ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वो बता रहा है कि केसेस डबल एवरी 10 डेज, यानी अब जो ग्रोथ रेट है वो उतना नीचे आ चुका है कि केसेस हर 10 दिन में डबल हो रहे हैं। लेकिन केसेस डबल हो रहे हैं, केसेस कम नहीं हो रहे हैं। डबल होने का जो रेट है वो कम हो चुका है। एक और मैं ट्वीट, जो शमिका रवि जो ये ग्राफ्स ट्वीट करती हैं उनका ये ट्वीट लेके आया हूँ। उन्होंने बात की है पर 100 टेस्ट में कितना परसेंटेज लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो दैट इज 4.2%। और टोटल टेस्ट आज तक कंडक्ट हुए 3,35,000। और टेस्ट जो हैं वो ये टेस्ट हैं, ये वाला शेडेड रीजन जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेस्ट ग्रोइंग रैपिडली, यानी टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन कन्फर्म केसेस उतना ज़्यादा रैपिडली ग्रो नहीं हो रहे हैं। काफ़ी टाइम से 4.2% जितने टोटल टेस्ट होते हैं उसके 4.3% 4.2% लोग पॉजिटिव आते हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। और ये अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि एक और मैं ग्राफ लेके आया था कि ये ग्राफ इकोनॉमिस्ट का है कि गवर्नमेंट्स ने, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स ने क्या रिस्पॉन्स दिया कोविड-19 को। और एज ऑफ 1 अप्रैल इंडिया सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स वाली कंट्री था एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स है, ये 100 इज स्ट्रिक्टेस्ट और यहाँ पे इंडिया का स्कोर एक्चुअल में 100 था। हालांकि यहाँ पे जो स्कोर फिस्कल स्टिमुलस को लेके है वो काफी कम है, लेकिन हाँ स्ट्रिक्टनेस के हिसाब से लॉकडाउन पूरे देश में कर देना, 135 करोड़ लोगों को घर में बिठा देना, ये स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन थी गवर्नमेंट की, और जो कि बहुत अच्छी एक्शन थी। पिछले 3 ग्राफ में जो हम देख रहे हैं कि ग्रोथ कम हो रही है, परसेंट ऑफ टेस्ट बढ़ रहे हैं लेकिन उस तरीके से उतने रेट पे पॉजिटिव केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, ये अच्छी खबर है। फाइनल एक ग्राफ में आपको ये दिखाना चाह रहा था कि टॉप 10 सिटीज कौन सी हैं इंडिया में जहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं। तो ये हैं मुंबई, दिल्ली, इंदौर, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, हैदराबाद, ठाणे, चेन्नई एंड भोपाल। ठाणे और मुंबई तो शायद आसपास एक ही सिटी मान सकते हैं या अलग अलग सिटी, क्योंकि इनके रिपोर्टिंग तो अलग अलग हो रही है। अभिषेक आप कुछ कहना चाहेंगे? टेक्निकली टेक्निकली अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, थाने डिस्ट्रिक्ट अलग है, मुंबई डिस्ट्रिक्ट अलग है, पर आप एक ही सिटी कंसीडर कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। हाँ, हालांकि रिपोर्टिंग इन दोनों की अलग अलग हो रही है इसलिए मैंने अलग यहाँ पे कंसिडर किया है। तो हाँ, वो ये डिस्ट्रिक्ट, सिटी, हाँ डिस्ट्रिक्ट अलग है, दोनों थाने डिस्ट्रिक्ट अलग है, वो मुंबई डिस्ट्रिक्ट अलग है। ओके, तो ये 10 सिटीज हैं जहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस इंडिया में पाए गए हैं। और इससे मिलता जुलता एक ग्राफ जो मैं बताना चाहता था आपको, वो ये कि टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस सिटीज इंडिया की कौन सी हैं। ये वो सिटीज़ हैं जहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो ये टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस सिटीज़ हैं और इनके केसेस कितने हैं। तो मुंबई के 2003 केसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा तो देश में है ही, मुंबई देश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी भी है। इसके बाद है दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, पुणे, जयपुर।
तो ये सिटीज़ हैं जो इंडिया में टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस सिटीज़ हैं, और जो नंबर्स आप उनके ऊपर देख रहे हैं वो उनके केसेस के नंबर्स हैं। तो ये ग्रीन एरोज आपको आउटलायर्स बता रहे हैं। आउटलायर्स मतलब अगर फर्स्ट ग्राफ में आप देखें तो इंदौर, थाने, भोपाल, ये तीन ऐसी सिटीज़ हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ में नहीं आती। और सेकंड ग्राफ में बेंगलोर, कोलकाता और सूरत, ये तीन ऐसी सिटीज़ हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ में तो आती हैं लेकिन टॉप 10 हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस में नहीं आती। तो ये कुछ ग्राफ्स थे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और अब अभिषेक बात करेंगे इकोनॉमी की। अभिषेक क्या बताने वाले हैं आप इकोनॉमी से रिलेटेड? आपने एक नारा, एक स्लोगन बोला जो आज का चल रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, जान भी जहां भी। आपने जान की बात की, अब जहां की बात करेंगे। अभी हम दो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तो जान के लिए और एक लड़ाई जो भी हमें लड़ना है, जो कि लॉकडाउन ख़त्म होगा, ये वायरस का स्प्रेड थोड़ा सा कम होगा, वो भी जहाँ की यानी इकोनॉमी की। तो हम आज बात करें इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी पे, इंडिया की इकोनॉमी पे, आप पे, हम पे, ये लॉकडाउन का क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम, मैं बताऊंगा कि आपको एक सब बेसिक जो टर्म्स ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे GDP हुआ, रिसेशन हुआ, स्लो डाउन हुआ, ये है क्या, एक हम आम भाषा में समझने की कोशिश करेंगे ये है क्या। उसके बाद जो पास्ट GDP की डाटा है हमारे, उससे समझने की कोशिश करेंगे कि ये लॉकडाउन का हमारी इकोनॉमी पे, आपकी और हमारी जेब पे क्या असर पड़ेगा। और आखिरी में ये बात करेंगे कौन से सेक्टर है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसपे सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है इस लॉकडाउन का, और या इस वायरस का, इस महामारी का। तो तीन तब हमने बहुत सुनी होगी, एक है GDP, रिसेशन और स्लो डाउन। तो ये तीन चीज़ें होती है कि आपको बहुत सुनने में आया होगा, GDP, रिसेशन है, स्लो डाउन है। तो GDP सबसे पहले समझेंगे, GDP क्या होती है। GDP होती है कि मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, जो भी किसी कंट्री में एक फिक्स टाइम में जो भी सर्विस या गुड्स यानी जो भी कुछ बन रहा है, तो उसकी जो फाइनल वैल्यू है उसको GDP बोला जाता है। और GDP का यूज़ किया जाता है कि डिटरमाइन करने में कि किसी कंट्री की इकोनॉमी का साइज़ कितना है और उसकी ग्रोथ क्या है। तो हर एक क्वार्टर में एक GDP का फिगर आता है कि इंडिया की GDP इस क्वार्टर में 4.7% रही, 5% रही। तो बेसिकली ये जो रहता है फिगर, 4.7%, 5%, ये रहता है GDP ग्रोथ रेट, यानी आपकी GDP किस ग्रोथ से, किस रेट से बढ़ रही है। दूसरा भी आपने एक दो टर्म सबसे ज़्यादा सुन रहे होगे कि रिसेशन आने वाला है, स्लो डाउन आने वाला है। तो कुछ स्लो लोगों डाउन का ये भी कहना रिसेशन, है कि रिसेशन आ चुका है। हाँ रिसेशन आ चुका है, हाँ तो वो समझे कि रिसेशन और स्लो डाउन है क्या। तो रिसेशन और स्लो डाउन ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। स्लो डाउन की बात करें तो स्लो डाउन रहता है ग्रोथ स्लो डाउन, यानी आप जिस ग्रोथ से, जिस रेट से बढ़ रहे थे, आपकी बढ़ने की वो जो ग्रोथ थी वो कम हो गई। सपोज आपकी जो GDP बढ़ने की ग्रोथ थी वो थी 10%, 11%, 12%, पर अब वो जो ग्रोथ हो गई है 10%, 9%, 8%, 7%, यानी आप आगे, आप बढ़ती रही, आपकी GDP तो बढ़ रही है पर उसकी ग्रोथ कम हो चुकी है। और रिसेशन एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब होता है कि अगर दो कंसिक्यूटिव क्वार्टर तक, यानी एक क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर तक, अगर आपकी GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव रहती है तो उसको बोलते हैं रिसेशन, यानी मंदी आ चुकी है आपकी इकोनॉमी में। सपोज कीजिए कभी आप इंडिया की इकोनॉमी की बात करें, तो इंडिया की इकोनॉमी का एक जो क्वार्टर अभी ख़त्म हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च में, अगर ग्रोथ रेट नेगेटिव आती है, उसके बाद जो भी क्वार्टर चल रहा है अप्रैल, मई और जून, इसमें भी GDP ग्रोथ नेगेटिव आती है, तो हम ये कहेंगे कि इंडिया में रिसेशन आ चुका है, मंदी आ चुकी है। यानी GDP ग्रोथ रेट कम आती है उससे रिसेशन नहीं आता है, नेगेटिव में आती है, यानी GDP का साइज नेगेटिव में एक्चुअली आती, श्रिंक हो रहा है। श्रिंक हो रही है आपकी GDP, बढ़ने की बजाय श्रिंक हो रही है, तो उसको रिसेशन बोला जाता है। वो भी कंसिक्यूटिव 2 क्वार्टर से होना चाहिए। अगर दो कंसिक्यूटिव क्वार्टर तक आपकी GDP श्रिंक हुई है तो बोलते हैं रिसेशन आया है, यानी मंदी आई है। अब बात करेंगे कि हम इंडिया के GDP के पास्ट डाटा से हम देखेंगे कि इस पेंडेमिक का हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। तो लास्ट हम लास्ट 3 ईयर के GDP डाटा देखें इंडिया के, जो ग्राफ है इसमें आपको लास्ट 3 ईयर के क्वार्टर वाइज GDP ग्रोथ रेट बता रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है, यानी हम 7.7 से हमने स्टार्ट किया और अभी लास्ट में जो दिसंबर क्वार्टर जो एंड हुआ उसमें हमारी ग्रोथ थी 4.7, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी में भी एक स्लो डाउन ऑलरेडी चल रहा था। आप देखिए कि लगातार हमारी ग्रोथ कम हो रही है सिंस जनवरी 2018 से, 7.7 थी, 7.7 से 7.1, 6.2, 5.6, एक स्लाइट इंक्रीज आया था 5.8, उसके बाद 5.6, 5.1, और लास्ट दिसंबर क्वार्टर जो दिसंबर 2019 में जो क्वार्टर एंड हुआ है
उसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ थी 4.7। तो पहले से ही हमारी इकोनॉमी पे एक प्रेशर था, ये पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई है, तो इसका और असर हमारी जीडीपी पे पड़ेगा। उसके लिए आप उसके बाद एक समझेंगे कि ये जीडीपी के कंपोनेंट्स होते क्या है। बेसिकली जीडीपी के चार कंपोनेंट होते हैं, इसे तो कई कंपोनेंट होते हैं, जो मेजर जो फैक्ट जिनका पोर्शन रहता है वो चार कंपोनेंट का रहता है। पहला जो कंपोनेंट रहता है वो होता है जीएफएससी, इसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। यानी बेसिकली हम इसको समझे कि जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो आता है जीएफसीई में। Okay. जिस उसके बाद होता है पीएफसीई, यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जिसको हिंदी में बोलेंगे निजी अंतिम उपभोग व्यय, यानी कि जो कि आम लोग यानी आप और हम जो खर्च कर रहे हैं वो आएगा पीएफसीई में। Okay. तीसरा कंपोनेंट होता है जीएफसीएफ, एक ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, या उसको इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, वो आएगा जीएफसीएफ में। उसके बाद सीआईसी, यानी स्टॉक में आता है, स्टॉक का अगर कुछ फिनिश गुड का स्टॉक है, वैल्यूएबल्स अगर कुछ बड़ी बहुमूल्य चीज़ें हैं, वैल्यूएबल्स अगर है तो उसमें आती है। उसके बाद जो चौथा बड़ा कंपोनेंट होता है वो होता है एक्सपोर्ट का। Okay. और एक्सपोर्ट के बाद आता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट हम माइनस करते हैं, जो भी हमारी कंट्री में इम्पोर्ट हो रहा है वो जीडीपी में से माइनस होगा। दूसरा डेप्रिसिएशन, तो ये सब होते हैं हमारी जीडीपी कंपोनेंट। तो जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है वो होता है पीएफसीई का। उसके यानी कि जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर, यानी आप और हम जो खर्च कर रहे हैं, अगर हम लास्ट क्वार्टर देखें 2019-20 का Q3, तो उसमें इसका टोटल जीडीपी का जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर था वो था 62.4%। उसके बाद जो दूसरा बड़ा कंपोनेंट रहता है वो इन्वेस्टमेंट जीएफसीएफ, वो था 26.1%। उसके बाद एक्सपोर्ट था 18.6%, और उसके बाद आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि था 11.1% ऑफ टोटल जीडीपी। राइट, आपके सामने भी जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें वैल्यूज बताई गई है कि कितनी वैल्यू थी। ये सब वैल्यू करोड़ में है, जैसे कि जो कि Q3 में गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया था वो था 5,75,495 करोड़। Okay. जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर हुआ था वो था 32,35,532 करोड़। और ऐसे जीएफसीएफ और एक्सपोर्ट की, अब इनकी ग्रोथ रेट देखें कि हम इनकी अगर ग्रोथ देखें कि ईयर ऑन ईयर हर क्वार्टर में कितनी ग्रोथ रही है, तो ये जो चार कंपोनेंट है जीएफसीई, पीएफसीई, जीएफसीएफ और एक्सपोर्ट, तो इसमें से दो जो कंपोनेंट है जीएफसीएफ और एक्सपोर्ट, इस पर ऑलरेडी एक प्रेशर चल रहा था। आप देखेंगे इनकी नेगेटिव ग्रोथ है लगातार दो क्वार्टर से, यानी कि प्राइवेट एक्सपेंड जो इन्वेस्टमेंट है वो हो नहीं रहा है, कम हो रहा है, और एक्सपोर्ट भी हमारे डाउन है। तो बेसिकली जो हमारे पूरी जीडीपी की जो ग्रोथ का जो एक भार था वो था दो कंपोनेंट पे, एक था जीएफसीई और एक पीएफसीएफ, यानी जो सरकार खर्च कर रही है और जो हम खर्च कर रहे हैं। अब इस कोरोना की वजह से जो इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है, तो जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है हमारा प्राइवेट जो प्राइवेट कंजम्पशन होता है, जो हम खर्च करते हैं, उस पर असर पड़ेगा कि अब 21 दिनों से हमारी 21 के लगभग 40 दिन तक हमारे स्लो डाउन चलेगा। अब इकोनॉमी में जो स्लो डाउन आया है उसकी वजह से अभी आपने सुना होगा कि कई कंपनी ने पे कट अनाउंस किया है या वॉलेंटरी पे कट के लिए बोला है, कई लोगों की नौकरी जा सकती है, कई जॉब्स जा सकती है। तो प्राइवेट कंजम्पशन जो कि 62.4% है हमारी इकोनॉमी हमारी जीडीपी का, तो लोग बाग बेसिकली खर्च करना कम कर देंगे, क्योंकि लोगों के पास परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि इनकी सैलरीज कट हो चुकी है और जॉब जा चुकी है। ये प्राइवेट सेक्टर की तो है, पर मुझे लगता है कि कई स्टेट गवर्नमेंट भी अपने एम्प्लॉयज की सैलरी कट करेगी। और जो दूसरा कंपोनेंट था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे भी प्रेशर आएगा। हमारा 1 फरवरी को बजट आया था, तो बेसिकली बजट जो रहता है वो है कि एक्सपेंड और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट रहता है, कि हमारी इनकम कहाँ से, सॉरी इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट रहता है, कि सरकार बताती है कि हमारी इनकम कहाँ होगी, हम कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हैं। Okay. बट आज के सिनेरियो में वो बजट कुछ काम कर नहीं रहा है, क्योंकि जब वो बजट बना था तो उस समय किसी ने सोचा था कि इतनी बड़ी महामारी आएगी जिसकी इकोनॉमी पे हमारा इतना असर पड़ेगा।
वो तो बिजनेस एज यूजुअल वाला सिनेरियो का बजट था। हाँ, तो अब गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम पे कंस्ट्रेंट आने वाला है। गवर्नमेंट की बेसिकली इनकम होती है टैक्स कलेक्शन से। अब राइट 40 दिन से पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप पड़ी हुई है, तो उससे गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन, जो GST कलेक्शन होता है वो कम होने वाला है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो सबसे ज़्यादा इनकम होती है वो होती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से। तो राइट लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम हो चुकी है, तो उससे जो टैक्स कलेक्शन होने वाला है वो कम होगा। स्टेट गवर्नमेंट की एक और इनकम का सोर्स होता है लिकर, जो शराब बिकती है, वो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। तो ओके शराब की दुकानें बंद है, शराब बिक नहीं रही है, तो राज्य सरकार को उससे भी टैक्स नहीं मिल रहा है। और अब सरकार की अभी जो प्रायोरिटी है, जो खर्च करना है सरकार को, एक तो इनकम कम हो गई है, पर और अब जो खर्च करने की जो प्रायोरिटी गवर्नमेंट की बची है, वो बची है कि अभी हेल्थ केयर पे हमें सबसे ज़्यादा खर्च करना है। राइट क्योंकि अभी जो महामारी से लड़ने के लिए हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं, तो पूरा गवर्नमेंट का जितनी भी इनकम है उसका एक मेन कंपोनेंट जा रहा है हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे। तो बाकी जगह गवर्नमेंट का स्पेंडिंग जो पावर थी, जो दूसरी जगह खर्च करने वाले थे, वो अब कम करेगी। तो ऑलरेडी जो चार बड़े कंपोनेंट थे, उसमें से दो तो हमारे पास्ट 2 क्वार्टर से नेगेटिव चल रहे थे। और बाकी के जो दो थे, जो कि हमारे ग्रोथ दिखा रहे थे, एक तो प्राइवेट कंजम्पशन और एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों राइट पे प्रेशर आने वाला है। इसलिए बोला जा रहा है कि इंडिया की GDP की, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि अलग अलग रेटिंग एजेंसी ने अलग अलग फोरकास्ट दी है। जो रेटिंग एजेंसी पहले बोली थी कि 5% के अबाव रह सकती है इंडिया की GDP ग्रोथ रेट, वो 1% 2%। आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया, जो RBI की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कि इंडिया की GDP की ग्रोथ जो पहले एक्सपेक्ट की जाती 4 या 5%, वो अब 1 या 2% के बीच में रहेगी। तो अब बात करते हैं कि जो सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो गए इससे, एक है टूरिज्म, रेस्टोरेंट होटल, एविएशन, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, IT एंड बैंकिंग। टूरिज्म, रेस्टोरेंट तो ऑब्वियस है एंड होटल्स भी ऑब्वियस है, क्योंकि ट्रैवलिंग कम हो गई है। और बेसिकली आप देखिए तो ये जो समर वेकेशन का टाइम होता है, टूरिज्म का एक टाइम होता है, हाँ कई करेक्ट लोग अपनी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं, तो इस साल तो अब तो कोई जाएगा ही नहीं। तो टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से बैठ चुकी है, और बाहर से भी अभी नेक्स्ट कुछ महीने तक बाहर से भी टूरिस्ट आएगी नहीं, फॉरेन टूरिस्ट भी नहीं आएंगे। एविएशन भी सेम रीज़न, ट्रैवलिंग कम करेगी लोग बाग, अब चाहे वो एक ऐसे टूरिस्ट हो या ड्यू टू वर्क जो ट्रैवलिंग होती है वो भी अब अवॉइड की जाएगी नेक्स्ट कुछ महीने के लिए। रियल एस्टेट एंड ऑटोमोबाइल, क्योंकि अब लोगों की पहली प्रायोरिटी रहेगी कि लोग जो इसेंशियल आइटम्स है उस पर पहले खर्च करेंगे, उसके बाद कुछ एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट या कुछ नई गाड़ी खरीदना है उसके बारे में सोचेंगे। तो इन दोनों इंडस्ट्री पे असर पड़ने वाला है। और बैंकिंग, बैंकिंग में आपने सुना ही है कि बैंकिंग के पे पहले से प्रेशर था, कि बैंकों के जिस तरह से NPA बढ़ रहे थे, अब मुझे लगता है कि ये NPA प्रेशर और बढ़ने वाला है, क्योंकि लोगों की बेसिकली पूरी तरह से जो लॉकडाउन की वजह से या ये जो पूरी बिजनेस साइकिल थी वो बिगड़ चुकी है। तो कई लोन्स अब बेड लोन में कन्वर्ट हो सकते हैं, लोग बस टाइम पे EMI नहीं पे करेंगे। RBI ने भले ही एक ऑप्शन दिया है मॉरेटोरियम का, कि आप 2 महीने या 3 महीने के लिए अपनी EMI एक्सटेंड कर सकते हैं, बट तब भी किसी बिजनेस को संभलने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो कई लोन्स अब बेड लोन में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये मेन इंडस्ट्री है जिनका इस पेंडेमिक की वजह से इन इंडस्ट्री पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। ऑटोमोबाइल्स की आपने बात की। एक जगह मैं किसी का इंटरव्यू पढ़ रहा था जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बड़े CEO थे। उनका ये कहना था कि हम एक्चुअली इसको लेके पॉजिटिव हैं, और हम इसको लेके पॉजिटिव इसलिए हैं क्योंकि अब हो सकता है लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करें और खुद के ऑटोमोबाइल खरीदना लेना प्रेफर करें। तो ये भी एक चीज़ है, ये भी एक नज़रिया है सोचने का, देखने का। उसका एक कॉन्टेक्ट भी हो सकता है कि अभी नेक्स्ट कुछ महीनों के लिए, मेरे को लगता है नेक्स्ट 6 महीने के लिए मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम कंपनी प्रेफर करेगी कि उसके मैक्सिमम एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम करे। तो आप जब घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो आपको ऑटोमोबाइल की क्या जरूरत है। क्या जरूरत है, राइट। इसके अलावा मुझे लगता है कुछ एक ऐसे डोमेन्स हैं जो ग्रो कर सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स है। अब मैं, हो सकता है कि ग्रॉसरी लेने बाहर नहीं जाऊं, हो सकता है मैं कुछ खरीदने के लिए बाहर जाने की जगह ये प्रेफर करूं कि कोई मेरे घर में लाके मुझे डिलीवर कर दे। हो सकता है ऑनलाइन कंटेंट का जो कंजम्पशन है, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, ये बढ़ जाए। हो सकता है मैं नहीं चाहता कि मैं जाके थिएटर में कोई मूवी देखूं, मैं घर पे ही देखना चाहता हूं जो भी अवेलेबल।
हो सकता है इसकी अब आने वाले टाइम में कुछ समय में ये भी हो सकता है कुछ मूवी सब थिएटर में रिलीज होने के बजाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो, करेक्ट करेक्ट। थिएटर में जाके तो लोग प्रिफर नहीं करेंगे कि मूवी देखना। इसी के चलते डेटा प्रोवाइडर्स जो हैं, जो आपको ये डेटा देते हैं कि आप ये मूवीज देख सको, एयरटेल, जियो, ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर, इनकी इंडस्ट्री में भी बूम आ सकता है। इसके अलावा टेलीकॉम जो आपने इंडस्ट्री की बात जैसे हमने कवर की टेलीकॉम इंडस्ट्री का फायदा हमने कवर किया था कुछ महीने पहले कि टेलीकॉम कंपनी की क्या हालत है, तो क्या हालत है, उनको फायदा हो सकता है। फायदा हो सकता है। जो आपने कहा कि लोग ट्रैवलिंग अवॉइड करेंगे, उसी का एक अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, जूम, स्काइप, ये इनके स्टॉक भी ऊपर जा सकते हैं, ये इंडस्ट्री भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि लोग चाहेंगे कि अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से हम फेस टू फेस तो मिल नहीं सकते, तो फेस टू फेस मोबाइल के थ्रू, अपने कंप्यूटर्स के थ्रू उन्हें देख लें। एक जी जगह मैं ये भी देख रहा था कि अब चूंकि हो सकता है आपके नोट्स, जो करेंसी के नोट हैं, हो सकता है उनमें वो भी इन्फेक्टेड हो, उसको अवॉइड करने के लिए आप डिजिटल पेमेंट्स का सहारा लें, आप ज़्यादा जी पे यूज़ करें, आप ज़्यादा पेटीएम यूज़ करें। और ओवरऑल एक जो हेल्थ से रिलेटेड इंडस्ट्री जो है, मास्क, सैनिटाइजर्स, क्लीनिंग सर्विसेज, ऑफिसेज अगर ओपन होंगे तो उनको क्लीनिंग सर्विसेज चाहिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी हेल्थ पे बढ़ना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे हो सकता है स्पेंडिंग आगे बढ़े। कई नई इंडस्ट्रीज आएगी इस पेंडेमिक के बाद की, जो कि जो सामने का हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है अब, क्योंकि करेक्ट। अब लोग हेल्थ केयर पे ज़्यादा ध्यान देंगे, सैनिटाइजर हुआ, मास्क क्लीनिंग हुई, ऑफिस सैनिटाइज करना है, आपकी सोसाइटी सैनिटाइज करना है, तो इन तरह की नई इंडस्ट्री अब उभर के आ सकती है। तो ये सब कुछ था इस बार के लिए, सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे आप लाइक कर सकते हैं, और शेयर और सब्सक्राइब वाले ऑप्शंस भी आपको पता ही होगा, क्योंकि YouTube की हर वीडियो आपको बता ही देता है कि शेयर कैसे करना है, सब्सक्राइब कैसे करना है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।